कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ में आज वात्सल संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और प्लान इंडिया के सहयोग से काफ़ी लोगों के साथ मिलकर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन का जो केंद्र बिंदु था वो महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न को कैसे उसकी रोकथाम की जाए, निषेध लगाया जाए, क्या उसके निदान हो सकते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा करी गई। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण के चेयरमैन जस्टिस सुधीर कुमार सक्सेना जी, जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य ज्योत्सना शर्मा, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व महानिदेशक पद्मन सिंह आईपीएस, महिला कल्याण निगम कल्याण विभाग की स्कीम ऑफिसर अनु सिंह, वात्सल्य की चीफ फंक्शनरी डॉक्टर नीलम सिंह और यूनिसेफ की सोशल पॉलिसी स्पेशलिस्ट पीयूष एंटोनी के साथ साथ शहर के और भी जाने माने लोग थे, जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर लेकर के अपने विचार व्यक्त किए गए। दोस्तों, वात्सल्य समय समय पर इस तरीके के कार्यक्रम कराता रहता है महिलाओं को लेकर के, क्योंकि आधी आबादी है हमारी और उनके साथ अगर इस तरीके का उत्पीड़न और भेद भरा व्यवहार होता है तो निश्चित ही ये चर्चा का विषय है। जहाँ तक एक बात निकल करके आई, लगभग सभी वक्ताओं ने एक स्वर से एक चीज़ पर सहमति बनाई कि जो हमारे समाज की सोच है वही कहीं ना कहीं महिलाओं को ऐसी परिस्थिति की ओर अग्रसर करती है। आइए आपको ले चलते हैं जस्टिस सुधीर कुमार सक्सेना जी के पास, क्या कहते हैं। सोनभद्र चलते हैं, फिर नोएडा चलते हैं, वहाँ डिफरेंट ट्राइब्स हैं, मतलब मैडम जहाँ की नोएडा से एमएलए रही, मुजफ्फरनगर मेरठ ये प्योरली क्रिमिनल बैच है, मैक्सिको के बाद मुजफ्फरनगर नंबर आ रहा था। हम लोग रोज़ अखबार में दो चार ट्विंकल्स के नाम पढ़ते हैं, लखनऊ पढ़ते हैं, मेरठ और उस साइड जाएंगे और ज़्यादा मिलेंगे। हम लोग होता क्या है कि हम लोग कहा ना प्रैक्टिकल सोसाइटी है, माइंड सेट यह है कि देखो हमारी कंज्यूमर आइटम है, लेडीज आर नॉट कंज्यूमर आइटम, ये हमारी प्रॉपर्टी है, मेंस प्रॉपर्टी है, और देखो हमारा इनका बचपन से ही हक बन जाता है। लड़की कितनी बड़ी हो, छोटे से दो साल के बच्चों के लिए बाजार चली जाएगी, कोटर लगेगा, इन्हें बचपन से बताते हैं कि सीधे चलना, इधर मत देखना, जवाब मत देना, इधर उधर चलना, तो बचपन से उनके मन में डर बैठ जाता है कि ये कोई बड़े लोग हैं और हम हमेशा दब के रहें। अब सोचिए अगर हम 50% पॉपुलेशन को डिप्रेशन में रखेंगे, दबा के रखेंगे, तो कैसे हम देश की उन्नति की उम्मीद करते हैं। जीडीपी तो आंकड़ों का खेल है, देश तो उन्नति देखिए, जब 10% लोग देश की प्रगति में योगदान करें, 50% तो आपने दबा के रखा हुआ है, कैसे योगदान कर पाए। डॉक्टर नीलम ने सही कहा था, मैं खुद भी कहने वाला था कि ऐसी कोई महिला नहीं है, लड़की नहीं है, इसके साथ कभी न कभी कोई सेक्सुअल असॉल्ट न हुआ। 80% तो आंकड़े सिर्फ बर्थ प्लेस के आए हैं, जो रिपोर्टेड है, जिस पर रिपोर्टेड ही नहीं है। तो इन आंकड़ों को देख के लगता है कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड सेट है वो जो सोसाइटी में कि हमारा, हम लोग गाली भी देते हैं तो माँ बहन गाली देते हैं कि पिता भाई गाली देते हैं, हमारे पिता कर दें कि लड़के कर दें, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे हम देयर फ्लॉटिंग और अथॉरिटी ओवर दैम। राजा जाते थे आक्रमण करने तो पहले सब महिलाओं को लूटते थे, मतलब महिलाओं पकड़ ले जाते थे, कुछ लोग जॉब करती थी, बच्चे ले आते, इसलिए इससे लगता है कि हमारे अथॉरिटी एस्टेब्लिश हो रही है। तो रेप भी जो होते हैं बहुत सारे रेप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीडियो लोग हैं, लेकिन बाकी जो रेप्स होते हैं वो सब इसलिए होते हैं कि अथॉरिटी एस्टेब्लिश नॉट फॉर सेक्सुअल एंजॉयमेंट, they don't get enjoyment, बस हमें अथॉरिटी एस्टेब्लिश करनी है, बिकॉज वी आर मैन, दे आर अवर प्रॉपर्टी, प्लॉट अवर प्रॉपर्टी। इसीलिए ये निर्भया चला कर विशाखा में भौरी देवी हुआ, हमारे गांव में आज भी आशाएं हैं, तमाम सारी लोग अब तो बेसिक एजुकेशन टीचर्स हैं, वो भी प्रधान थे उस बंधन का, तो हम आए इटावा में तो लोग कहते थे कि आप देखो प्रधान जी की पूरी बना रही बहन जी, घर में लड़के शादी प्रधान जी को, तो ये वर्क वो भी वर्क प्लेस है, और वर्क प्लेस वो भी है जो भट्टे में काम करती है, छत्तीसगढ़ की महिलाएं काम करती हैं, और कहनी जरूरत नहीं वहाँ क्या होता है, मतलब तो ये सब वर्क प्लेस वाले प्रॉब्लम्स हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम यही शुरू हुई कि हमारा माइंड सेट जो है मतलब ये गड़बड़ है, बचपन से हमने कभी फ्री नहीं छोड़ा। जब कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे तो मेरी एजुकेशन पॉलिसी बात हुई, तो हमने उनसे कहा था कि आप लड़कियों के लिए ये मार्शल आर्ट्स कंपल्सरी कर दीजिए, जूडो कराटे
कराटे ताइक्वांडो जो भी है इनके लिए, और जितना आप टीचर में खर्च करते हैं दूर है संस्कृत में खर्च करते हैं उतने में इनका काम चल जाए लड़कों के लिए और सारे। तो ये बचपन से सिविक सेंस इनको सिखाया जाए, लगे कि ये हमारी भगनी मतलब बहन है और सबकी लड़कियाँ हैं, तो शायद कुछ हद तक खुलापन बढ़ेगा और ये जो परवृत्ति है ये कम हो जाएगी। मुझे पता नहीं इस दिशा में कितना काम हुआ नहीं हुआ, पर नहीं है। अब तो इंटरनेट आ गया है, सब लोग टीवी पे सब मोबाइल पे सब कुछ देख रहे हैं, मिक्सिंग के चांसेस बढ़ गए हैं, लोगों की मुलाकात ज़्यादा हो रही है अपनी जगह पर, तो ये सही है कि प्रॉक्सिमिटी बढ़ेगी। प्रॉब्लम तब आती है जबकि अगेंस्ट विशेष या अपनी डोमिनेंट पोजिशन को यूटिलाइज करके उनको हम हैरेस कर, वो पार्ट का विषय में आंकड़े आए हैं आपके सामने। प्राइवेट सेक्टर में ये बहुत कॉमन है, रैम्पेंट भी है। गवर्नमेंट सेक्टर में अभी थोड़ा सा लाश रंग बची है, डर है, सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो वहाँ पर अभी उसका रिपोर्टिंग शुरू हो गई है। जैसे आप लोगों देखा बहुत दो व्हाट्सएप वायरल हो रहे थे, एक बुलंदशहर में एक लड़की का था, दलित लड़की थी, उसके साथ उसको पांच लड़कियाँ मार रहे थे और उसको स्टिपर, एक बिहार का केस था जहाँ क्रिश्चियन लेडी को स्टिपर दौड़ा रहे थे मार रहे थे। तो ये क्या शो करता है मुझे, मतलब अगर मानना था क्रिश्चियन पुरुष को मान लेते, लड़की की घरवाली को मान लेते, अगर हम दुश्मन निकाल लेती, ये क्या शो करते हैं ना कि हम ऐसा करेंगे तो हम बहादुर कहलाएंगे, ये जरूरी चेंज करें। इसके बहुत सारे मिस यूज भी हुए हैं, हमारी जुडिशरी में भी बहुत बहुत कॉमन है, ऐसा नहीं क्योंकि मैन आर मैन एंड गर्ल्स आर गर्ल्स। हमारे यहाँ एक बड़े पद पर कैसे शबे थे, वो एक जुडिशल ऑफिसर के घर पर बर्थडे पर बुके देने चले गए और फिर उसको बोल के मैं कार पर घर छोड़ देते हैं, आपको ताज्जुब हुआ कि वो आदमी को हाइपोटेंशन नहीं आया। हमारे यहाँ पनिशमेंट तुरंत होता है, टीचर भी एक सीजन था, एक नई लेडी ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए गई, उससे पूछने लगे कि सुंदर हो और बॉडी वाले पूछने लगे, इंक्वायरी शुरू हो गई, उस पर क्या पनिशमेंट जल्दी होते हैं और एक्शन हमारे ही होता सही बात है, बाकी जगह तरफा हो जाता है। यहाँ प्लास्टिक सर्जरी में केस था, मतलब बांदा की लड़की थी और लड़का था हरियाणा का डॉक्टर सनम्बाला का, और दोनों में इंटीमेसी के साथ रहते थे, दोनों ने भी एम एस किया था और एम सी एच कर रहे थे इसी डिपार्टमेंट, फिर यहाँ केस आया, दोनों साथ रहे, शादी बात हुई, फिर साल भर बाद पता नहीं क्या पहला पार्ट और लड़की की शादी तय हो गई अम्बाला का, लड़की ने सेक्सुअल हरासमेंट केस फाइल कर दिया, तो वहाँ जो कमेटी बैठकर बनी हुई है वहाँ कमेटी है अपॉर्चुनिटी सबसे बीता वहाँ किया है, उस कमेटी ने लड़की को दोषी पाया था, फिर मेरे यहाँ आया था और मैटर ने दोनों के घर वालों को बुलाया था, सर डॉक्टर ए के सिंह को हेड है क्लास उनको बुलाया था, मैंने कहा था देखिए एम सी एच डिग्री बहुत बड़ी डिग्री होती है और हम लोग के करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, टैक्स पेयर्स मनी मिले इन लोगों को, आज हम पनिश करेंगे तो दोनों जिंदगी बेकार हो जाएंगी, आप इनकी पोस्टिंग ऐसी कर दिया, क्या सर्जरी में सबको साथ ही रहना पड़ता है, ये नहीं होता कि मॉर्निंग शिफ्ट कर दें नाइट शिफ्ट कर दें, आई ट्राई टू ब्रोक कॉम्प्रोमाइज बिटवीन दैम ताकि हो जाए, फिर बाद में लड़की शादी हो गई, तो इट वॉज नॉट ए एब्यूज मैंने, क्योंकि दोनों साथ रहते थे, साथ पढ़ते साथ रहते, डॉक्टर हमें जानती है मेडिकल कॉलेज में, और उसके बाद जब वो लड़के शादी कर ली तो आपको एब्यूज लगा। एक और केस था, हमें सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका में जज हुए कवाना नॉमिनेट हुए रिसेंटली, अभी साल के अंदर की बात है, कोई याद नहीं था, कवाना नॉमिनेट हुए और एक लड़की ने ये बताया कि जब हाईस्कूल में पढ़ते थे ये सब चौधरी, ये 50 साल पहले हाईस्कूल में पढ़ते थे, हम लोग फुटबॉल देखे थे ना, हमें छेड़ा था, तो अब मैंने लिमिट है मतलब, तो हमें मिस यूज को भी देखना है, इसी वजह से बहुत सारे मैटर्स जो हम अलग के दब जाते हैं कि कहीं ना कहीं, दूसरा सोच भी हमारी ऐसी है, पुलिस इज ऑलवेज डिसमिसिव एंड एपथेटिक, जब भी ऐसे केस लेके जाएंगे, मैडम आप महिला आयोग में हैं, आप एक रिपोर्ट मंगा लीजिए पुलिस के पुलिस ऑफिसर से कि कितने केस में लड़कियों ने या महिलाओं ने एफआईआर फाइल किया, उसमें आज तक इन्वेस्टिगेशन पूरा हो गया है, हम दो केस मुझे मालूम है, जिन्होंने 2 साल से कुछ नहीं हुआ लखनऊ में, और नाउ दैट अब तो होमगार्ड्स और कॉन्स्टेबल पानी पोस्ट होने लगी तो वहाँ से केस सामने आ